हेलो डियर स्टूडेंट्स वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो सो हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है एनिमल डाइवर्सिटी की उसमें सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिड्स सो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिड्स में हमें इतना ही टॉपिक दिया हुआ है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा अप टू द क्लासेस विद एग्जाम्पल सिर्फ हमें, हमें सिर्फ तीन क्लासेस क्लास होगा आपका पोलीचिटा दूसरा ओलिगोचिटा एंड हीरो अब देखिए पोलीचिटा में हमें सिर्फ एक ही नाम दिया हुआ है नेरिस बट ये एडिशनल यहाँ पे आपको दो नाम दिए गए हैं ओलिगोचिटा में आपको दो नाम्स है फेरिटेमा लिम्ब्रिकस लुब्रिक, एंड ट्यूबिफिक्स और हीरोडीना में आपको दो नेम्स याद रखने हैं हीरो एंड हीरोडो ओके सो ये अब हम वन बाय वन देखते हैं पहला क्लास होगा क्लास पॉलीचिटा तो पॉलिस मीन्स मेनी पॉलिस का मीन मतलब क्या होता है पॉली मीन्स मेनी और चिटे मीन्स हेयर दैट इज द मेनी हेयर्स अगर आप इस इंडिविजुअल्स को देखें तो इसमें बहुत सारे आपको ये हेयर्स दिख रहे हैं हेयरलेग स्ट्रक्चर ओके सो दीज आर कॉमनली नोन एज ब्रिस्टल वर्म्स इसे हम क्या कहेंगे ब्रिस्टल वम्स एंड ये जो क्लास है दिव बिलोंग्स टू दिस क्लास आर मरीन इनहेबिटेड सो सारे के सारे आपको सी वॉटर में मिलेंगे ठीक है सो यहां पर हमने इमेज डाल रखी है अब देखते दीज आर ओके सो मेनी आर बरोइंग Others are free living, okay? बहुत सारे जो है वो बोर हो सकते हैं सम आर फ्री स्विमिंग और क्राउलिंग ओके जैसे कि कुछ जो होंगे वो क्राउल करेंगे मेनी ऑफ द बोरटेट सो हेड इज डिस्टिंक्ट विथ सेंसरी स्ट्रक्चर लाइक आईज एंटीनी पार्ट्स एंड सिरा सो इसमें देखिए आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है अगर हेड की बात करें तो हेड में हमें कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं जिसमें से आईज आ सकते हैं एंटीनी आ सकते हैं पाल्प्स एंड सिरा इस इमेज में आपको यह यहाँ पे देखिए सिरस का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर से ये वाला पोर्शन जो है देखिए यहाँ पे आपको आईज देखते होंगे यहाँ पे ये टेंटेकल्स दैट इज सिरा ओके सो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं उनके जन में सो so, यहाँ से लेके यहाँ वाला पूरा पोर्शन जो होगा वो हेड रीजन होगा पॉलिटिट्स का नाउ क्लाइट इज एपसेंट इसमें क्लाइटेलम हमें एबसेंट मिलता है क्लाइटेलम किसी भी तरह का क्लाइटेलम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है देन ईच सेगमेंट हैज पेयर ऑफ लैटरलोथ ऑफ द बॉडी वॉल कॉल्ड एज पैरापोडिया अब यहाँ यहीं पर देखिए सो so, यहाँ से एक है यहाँ से एक है यहाँ से एक है यहाँ से एक सो so, हर एक सेगमेंट को अ पेयर ऑफ आउट ग्रोथ है और लैटरल साइड से है ओके okay? सो so, उस आउटग्रोथ को हम कहेंगे पैरापोडिया पैरापोडिया बीर्स ऑफ बंडल ऑफ सेट। और यही पे अगर हम इसका फंक्शन की बात करें तो पैरापोडिया जो होता है वो लोकोमोशन में इन्हें मदद करता है ओके सो बेसिकली किस में मदद करता है ये लोकोमोशन में अभी देखिए यहां पे ये यह पैरापोडिया और अगर इसकी बात करें तो दीज आर द सिटा नाउ दीज आर यूनिसेक्सुअल ओके okay? यहां पे क्या है यूनिसेक्सुअल है सो so, इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो है वो सेपरेटेड है यूनिसेक्सुअल यानी कि सिंपल से हम बोल सकते हैं सेक्सेस आर सेपरेटेड सेक्सेस आर सेपरेटेड देन मोस्ट सेगमेंट्स बियर

दे आर स्पॉन थ्रू द मेटानो मेटाने कहा से हो रहा है मेटानेफेडिया और मेटानेफेडिया को हमने ये भी कहा था इट इज अक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडा एनेलिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है ओके, okay, बाहर मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज होने वाले सो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ट्रोकोफोर ओके, डेवलपमेंट okay. कैसे है लार्वा थ्रू है, सो so यहां पे हम ऐसे भी कह सकते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट ऐसे भी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है इनडायरेक्ट एग्जाम्पल है नेरिस पैलेज का यहाँ पे अगर वो फॉन्ट या कलर नहीं दिख रहा है तो नेरिस पैलेजिका का एज एन एग्जाम्पल ये याद रखना है हमें एग्जाम्पल भी सिंपल से आपको पूछा जा सकता है दूसरे क्लास की अगर हम बात करें ओलिगो चिटा सो ओलिगोज का मतलब होता है फ्यूज ओके okay? और पहले हमने देखा चिटा का मतलब होता है हेयर्स और फ्यू हेयर्स सो दे आर टेरिस्ट्रियल अर्थवर्म्स सो इसमें बेसिकली क्या आ रहा है आपके टेरिस्ट्रियल अर्थवर्म्स आ रहे हैं फ्यू आर फ्रेश वॉटर एंड मरीन वाटर स्पीसीज इनमें कुछ स्पीसीज जो है वो आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे कुछ स्पीसीज है वो मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे अपेंडेजेस आर एपसेंट अगर यहाँ पे अगर आप इसमें देख लीजिए अभी तो ये सॉइल टेरिस्ट्रियल फॉर्म वाला है ये टेरिस्ट्रियल फॉर्म वाला है अगर यहाँ पे आप कहीं पर भी देखें तो इसमें किसी भी तरह के अपेंडेजेस नहीं है सो so अपडेजेस जो होंगे वो एबसेंट होंगे इनमें देर इज अर नो अपडेजेस

देन क्लाइटेलम डेवलप्स एट द सेक्शुअल मैच्योरिटी सो यहाँ पे ये बात याद रखनी है हमें कि क्लाइटेलम जो होगा यहाँ पे प्रेजेंट है एंड विच डेवलप्स एट द सेक्शुअल मैच्योरिटी क्या फंक्शन होता है इस क्लाइटेलम का क्लाइटेलम सीक्रेट द म्यूकस क्या सिक्रेट कर रहे हैं म्यूकस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन एंड फॉर्म द काकुन जो ककुन्स फॉर्म होंगे उस ककूंस फॉर्म करने के लिए ओके okay, और म्यूकस सिक्रेट करेंगे ड्यूरिंग कॉपुलेशन सो so, पे आप देख सकते हैं दिस इज द क्लाइटेलम स्ट्रक्चर ओके सो ये वाला क्लाइटेलम होगा देन पैरापोडिया आर पे आपको पैरापोडिया तो कहीं पे दिख नहीं रहे सिटाई आर फ्यून नंबर सो इनमें हमें सिटाई देखने को मिल सकते हैं सो so, यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख लीजिए सो so, ये कुछ ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे सो सिटाइज आर प्रेजेंट और यहाँ इनमें सिटाई जो होते हैं वो होते हैं इनके लोकोमोटरी ऑर्गन वो होंगे इनके लोकोमोटरी ऑर्गन अब है, इसे हम बोल सकते हैं हर्मेफ्रोडाइट। हमने वर्ड यूज किया था हर्मेफ्रोडाइट, यानी कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स एंड परफॉर्मो कॉप्युलेशन अब यहां पे देखिए बाइसेक्शुअल का मतलब हमने ये भी कहा था कि ऐसे इंडिविजुअल जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 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 और फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल एक ही But they perform the copulation. मतलब मैंने लास्ट इसमें भी आपको कहा था कि अगर वो हर्मेफ्रोडाइट है भी, फिर भी फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दो इंडिविजुअल जो है वो क्या हो जाएंगे एक साथ आएंगे कॉप्य करेंगे ठीक है, so, ये इमेज में आप देख सकते हो कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस कर सकता है एक ये वाला भी इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनकी मेटिंग जो है वो बहुत जरूरी है पॉपुलेशन so, जो है वो परफॉर्म करते हैं या हम इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं इनमें सो गोनेट्स आर प्रेजेंट इन द फ्यू सेगमेंट्स कुछ सेगमेंट्स में इनके गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं गोनोडक्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है अगर लार्वा वगैरह फॉर्म नहीं है कोकोन फॉर्म होंगे कोकोन से डायरेक्टली सीधा लार्वे सॉरी अर्थवर्म निकलेंगे एग्जाम्पल्स फेरिटेमा पोस्तोमा जैसे अर्थवम का साइंटिफिक नेम है लिंब्रिकस एंड ट्यूबिकस लिंबरिकस ये कुछ तरीके से अर्थवम जैसे है आपको दिखेंगे बट दोज आर द डिफरेंट स्पीसीज एंड टूबिक्स कुछ इस तरीके से आपको ये दिख सकते हैं वाला जो क्लास है हमारा ओके okay? जिसमें हिरोडेनिया आते हैं जिसे लीच हम कह सकते हैं सो लीचेस आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास लीचे ऑफ द लीचेस लाइव इन द फ्रेश वाटर फ्यू आर मरीन वाटर एंड सम आर टेरिस्ट्रियल ओके सो कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे कुछ मरीन वाटर में पाए जाएंगे कुछ टेरिस्ट्रियल है सो so, यहाँ पे देखिए ये आपको कुछ एक्वेटिक फ्रेश वॉटर में देखने को मिलेंगे सो एक्वेटिक्लड इक्टो पैरासाइट किया था किस होते, होते हैं जो ब्लड सक करते हैं वर्टिब्रेड्स में okay? सो कैटल so, हो या वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मैमल्स में हम बोल सकते हैं ह्यूमन केटल भी हम मैमल्स में ही आएंगे ह्यूमंस में भी सो फ्यू आर कार्निवोरस प्रीडेटस ओके यहाँ पे देखिए ओके सो okay, so बहुत बार देखिए कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए मेडिसिनल परपज़ के लिए भी लीचेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं सो डैमेज जो खराब ब्लड uh, है उसको सक करने के लिए ओके okay, डॉक्टर जो है वो लीचेस यूज़ करते हैं सो so ये लीचेस जो है वो मेडिसिनल परपज के लिए भी यूज होते हैं ठीक है ठीके? दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है लीचेज जो है वो एक एंटीकोगुलेंट सिक्रेट करते हैं एंटीकोगुलेंट सिक्रेट करते हैं उसका नाम होता है हिरोडिन ओके हिरोडिन नाम का एंटीकोगुलेंट जो है वो सिक्रेट करते हैं जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो ब्लड जब वो सक करते हैं तब ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए वो एक एंटीकोगुलेंट सिक्रेट करते हैं उसका नाम है हिरोडिन अपेंडिजिस इनमें किसी भी तरीके से आपको दिखते नहीं है अपेंडिजिस आर एपसेंट यहाँ पे यह दिखे इसमें कोई भी अपेंडिजिस आपको नहीं दिखेंगे सो अपेंडिजिस ओसिलाई आर प्रेजेंट देव फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट दैट शोज द सुपरफिशियल एन्य देखिए इनमें कुछ फिक्स नंबर के सेगमेंट्स ही पाए जाते हैं और आपको कंप्लीटली एन्य एन्य की सिंपल सा मीनिंग है रिंग ओके okay. सो so, आपको जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख सकता है इनके बॉडी के ऊपर देन क्लाइटेलम इज कॉन्सपिक्यूस ओनली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही हमें दिखता है दे हैव द एंटीरियर सकर एंड द पोस्टेरियर सकर हेल्पफुल फॉर द रिप्रोडक्शन सो इस इमेज में तो आपको पोस्टेरियर सकर दिखेगा ओके बट एंटेरियर पोर्शन में भी उनके सकर है पोस्टेरियर पोर्शन में भी उनको सकर है सो so यहां पे आप देख सकते हो ये एंटेरियर सकर ये एंटेरियर सकर, सकर होता है वो स्मॉलर साइज में होता है एंटेरियर वाला जो होगा वो स्मॉलर में होगा और पोस्टेरियर वाला जो है वो लार्ज साइज का होगा ठीक है और ये दोनों सकर जो है देस आर हेल्पफुल इन द लोकोमोशन सो लोकोमोटरी ऑर्गन है सिटा एंड पैरापोडिया आर एबसेंट इन दिलोम और न्यूट्रीटिव मटीरियल टिश्यूजल टिश्यूज हम उन्हें कहते हैं जिनमें कुछ न्यूट्रेटिव मटीरियल प्रेजेंट हो या एक्सक्रेटरी मटेरियल एक्सक्रेटरी टिश्यू सो दीज आर बाइसेक्शुअल हर्माफ्रोडाइट और यह उन्हें हम कह सकते हैं स मोनोशियस सिंगल इंडिविजुअल जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो गोनेट्स आर प्रेजेंट इन आल्सो प्रेजेंट इन इट सीरस इज प्रेजेंट ओके इनमें हमें क्या देखने को मिलता है सिरस देखने को मिलता है द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एज लाइक द अर्थवर्म एग्जाम्पल्स हिरोडेनरिया ओके okay, और हिरडू करके हमने बोला है वो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द क्लास हिरुड एरिया सो इतने ही हमें तीन क्लासेस है सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं अगर हम कंटिन्यू करें तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए बहुत ही जल्द हम क्वेश्चन पेपर ही क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं इस सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के लिए सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच